हम लोगों की भाषा बड़ी अच्छी है, हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छे हैं कि हमारे पास एक अमीर भाषा है, जिस भाषा में रिश्तों के नाम हैं। हमारे यहाँ चाची है, बोलो चाची, बोलो चाची, चाचा, मौसी, मौसा। अब इन सबको जरा इंग्लिश में बोल के बताओ। सिर्फ एक ले दे के आंटी, सबको चाची हो आंटी, मौसी हो आंटी, बुआ हो आंटी। ये भारत देखो ये भारत में सेट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ बुआ अलग है, चाची अलग है, मौसी अलग है, समझ आ रही है? इसलिए चाची को चाची कहने में जितना अपना अपन लगेगा ना, आंटी में नहीं लगता। आपको मैं आंटी कहूं तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको मैं चाची कहूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ या ना, आपको मैं आंटी कहूं अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं आपको मौसी कहूं, मासी कहूं, अच्छा लगेगा। क्यों जी? हमारी भाषा सबसे उत्तम भाषा है। हमारे यहाँ हर रिश्ते के नाम हैं। इंग्लिश में रिश्तों के नाम ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश में रिश्ता होता ही नहीं। वहाँ अमेरिका लंदन के आधार कार्ड में जो भी वहाँ का कार्ड चलता है, वहाँ सिर्फ माँ का नाम होता है, बाप का नाम होता ही नहीं, क्योंकि माँ कन्फर्म है, बाप कन्फर्म है ही नहीं। ये कल्चर वहाँ का है, आप माने ना माने, वहाँ का कल्चर भारत से कैसे मैच करेगा? जहाँ बाप का ही नाम पता ना हो, वहां लड़की 18 साल की आजाद हो जाती है, जहां मन करे जाए। वो इसी आजादी के दौरान गर्भवती हो जाती है, और किसका बच्चा हुआ उसे खुद को नहीं पता कि ये बच्चा किसका, इसलिए बाप किसको बताए। इसलिए वहां माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। ये विदेशों की संस्कृति है, ये विदेशों का रहन सहन है, ये भारत में कैसे लागू होगा? हमारे यहाँ तो बाप दादों सबका नाम, कई पीढ़ियों का नाम होता है, कन्फर्म होता है ये दादा ये बाप है ये। हम भारतीय लोग संस्कारी लोग हैं। अब बताइए कौन संस्कारी है, वो जिनके बाप का पता ना हो या वो जिनके दादा परदादों का पता है? कौन संस्कारी है? किसकी भाषा अच्छी है? तुम इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, पर इंग्लिश का जो कल्चर है, पश्चिमी देश जितने भी हैं, जो भी है, बहुत अच्छा नहीं है।